Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting our subject for 9th to 10th class, and in this lecture we will be continuing the same chapter, that was chemical reactions and equations. So students, we learned in the previous classes what are physical changes, chemical changes, how are chemical changes associated with a chemical reaction, and how to represent the chemical reaction with the help of chemical equations. We also learned what are skeletal chemical equations and balanced chemical equations. In this particular lecture, we will be learning how to balance a skeletal chemical equation. Okay. So students, in the class 9, you learned a law, that was law of conservation of mass, and it states that ये क्या states करता है? It states that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Those students who remember this law, okay, but those who do not, please revise it, okay, because it will be helpful for balancing the chemical equations. Okay, so this particular law states that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. But इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जो आज है, जो अभी है, वो अगर reaction हो रहा है, real world में कोई equation हो, reaction हो रहा है, तो जितना mass reactant का होगा, मतलब जो भी reactants participate कर रहे हैं, उनका total mass जितना होगा, वही mass उनको product में मिलेगा। चाहे product कुछ भी बन जाए, लेकिन product का mass, टोटल मास क्या होगा, किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। मतलब मास जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब रिएक्शन के दौरान किसी उस समय पर ना तो कोई एक्स्ट्रा मास कहीं से क्रिएट हो जाएगा, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मास जितना है उतना ही रहेगा वो, है ना। वही मास, अब एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो उस वही मास जितना हमने लिया है उतना ही मास हमको प्रोडक्ट में मिलेगा। ओके, सो इसको मैंने एक फॉर्मूले से दिखाया है, यू कैन सी दिस ऑन द ब्लैक बोर्ड, दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पहले ही बता चुका है, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होने वाला है? हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है और इसको आपको याद रखना है। अब एक चीज मुझे बताइए, आपने क्लास 9 में एक चीज और पढ़ी है कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा उतना ज्यादा मास, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स कम उतना मास भी कम हो जाता है। मतलब मास और नंबर क्या होते हैं? आपस में रिलेटेड होते हैं, है ना। मतलब नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही मास ज्यादा होगा। जैसे आपके पास प्लेइंग बॉल्स होती हैं, है ना, कांच के कंचे होते हैं, तो कंचे अगर मान ले हम क्या हैं, वो एटम्स हैं, तो एटम्स क्या, जितने ज्यादा आपके पास वो कंचे होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा उसका, है ना। तो लाइकवाइज सिमिलरली ऐसा ही होता है कि अगर मास जितना जो भी है आपका, जो मास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसके बराबर होगा? ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, यहां पे एक चीज मिसिंग है, इसको ऐड कर लेंगे आप लोग भी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सारे नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होंगे। आइए इसको समझ लेते हैं, है ना, एक बार इस चीज को जो मैंने अभी यहां पे कहा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस मैंने कल बताया था, जो बैलेंस नहीं होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है मैंने, ये हमने लिया है इक्वेशन कहां से? एक्टिविटी 1.3 से लिया है,
ठीक है। अब एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या किया था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया था, याद होगा आपको, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट एंड H2 हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, वी हैव टू मेक अ टेबल, एलिमेंट्स में यहाँ पे लिस्ट कर दिया, यहाँ पे रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है देख लीजिए, जिंक, यस देयर इज जिंक, देयर इज हाइड्रोजन, यस देयर इज हाइड्रोजन, सल्फर S, ओके, एंड ऑक्सीजन O, यहाँ पर चार एलिमेंट हमारे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स रिएक्टेंट नहीं है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट यहाँ पर कौन कौन है, जिंक एंड H2SO4, रिएक्टेंट्स कौन कौन है, दो हैं, सिर्फ दो रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन से, जिंक एंड H2SO4, लेकिन इनमें एलिमेंट्स टोटल कितने यहाँ पर, 4, दे आर जिंक हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो लेट अस चेक यहां पर ये बैलेंस है या नहीं है, ये स्केलेटल इक्वेशन है या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, सो लेट्स सी, जिंक के मुझे बताइए रिएक्टेंट साइड में LHS, यहां पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। ओके, यहां पर एलिमेंट जिंक के कितने एटम है, 1, ओके, आई हैव रिटन 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहां पर आपको दिख रहा है H2 लिखा है, 2 एटम्स हैं, ओके गुड। देन सल्फर के कितने एटम्स हैं, यहां पर दिख रहा है आपको 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, ओके, यू हैव रिटन इट। नाउ चेक इट ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज ऑन एरो के राइट हैंड साइड में, जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको क्या कहते हैं, यहां पे प्रोडक्ट्स होते हैं। जिंक के कितने हैं, जिंक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 1, वेरी गुड, 1 है। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं चेक कर लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं, ओके गुड। देन सल्फर के देख लीजिए कितने हैं, 1, वेरी गुड। ऑक्सीजन के 4, आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे कि जिंक के रिएक्टेंट में कितने थे, 1, प्रोडक्ट में कितने, 1, चेक इट, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में बैलेंस है। सल्फर के 1, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में बैलेंस है। ऑक्सीजन के 4, रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में बैलेंस है। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, आई थिंक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, एक और इक्वेशन हमने ले रखा है, देयर इज अनदर इक्वेशन हियर, वी हैव Fe प्लस H2O प्लस गिव्स Fe3O4 एंड H2, ओके, सो दिस रिएक्शन इज वी हैव टेकन टू स्टडी, और ये आपको डेली लाइफ में कहीं भी दिखने को मिल जाएगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, आयरन नेल वगैरह जो भी सामान है जो आयरन का बना हुआ है, वो क्या करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके यानी पानी से रिएक्ट करके क्या बन जाता है, वहां पे फेरस ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पर Fe3O4 बन जाता है, मतलब वो क्या है, जंग है, जो एक्चुअल में आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो रस्ट लगता है वो क्या है, ये दिस पार्ट, दिस थिंग, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस इज एवॉल्व। ओके, सो लेट अस सी दिस रिएक्शन इज बैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कौन सी है, ये स्केलेटल है या बैलेंस है। ठीक है, तो हमको पता है, हमने चेक सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है, यू हैव टू मेक अ टेबल, आई हैव ऑलरेडी मेकन इट, एंड यू हैव टू लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स, मेक अ कॉलम फॉर रिएक्टेंट्स, मेक अ कॉलम फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। एलिमेंट्स कौन कौन से चेक कर लीजिए, Fe है, हमने लिख दिया Fe, हाइड्रोजन, ओके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन
यस ऑक्सीजन हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ओके गुड, देयर आर द एलिमेंट्स दैट वी हैव लिस्टेड, ओके। नाउ चेक फॉर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख दीजिए। Fe के कितने हैं, चेक इट, Fe के 1 है कि नहीं, यहाँ पर 1 है, इसके ना तो सामने यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ कोफिशिएंट लगा है ना ही बेस में लगा है, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट put it one. Now for hydrogen you have to write what number of atoms are here. There are two number of atoms for hydrogen. There are two. Oxygen के लिए बता दीजिए कितने हैं, 1. Good. Very good. Fe के लिए कितने हैं, अब product में check कर लेते हैं, यहाँ पर product side पे आ जाते हैं, left hand side छोड़ करके right hand side में आ गए product में। Fe के कितने atoms हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब यहां पे देख लीजिए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या सेम है, Fe के लिए क्या सेम है, यहां 1 है, यहां 3 है, ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये 1 है, ये 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, ये बैलेंस नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। सो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है और फाइंड कैसे करेंगे। आपको अगर सिर्फ एक टेबल बनाना है और जस्ट यू हैव टू कंपेयर योर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब बेटा बात ये आती है, सवाल जो सबसे जरूरी है इस पूरे लेक्चर का, बैलेंसिंग ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ विल यू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। यहां पर मैंने दोबारा इसको लिख लिया, हाउ विल यू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, मे बी यू विल ट्राई हिट एंड ट्रायल, ओके, कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 लगा लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 लगा लेते हैं, फिर बैलेंस करेंगे इधर से, है ना। लेकिन दैट्स अ गुड वे, बट आई विल टेल यू अ मेथड दैट यू कैन अप्लाई फॉर एनी केमिकल इक्वेशन टू सॉल्व इट, ओके। सो मेरे साथ फॉलो करते जाइएगा, आपको ये सवाल दिया हुआ है, ये टेबल बना लेना है, पहला काम कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज राइट द केमिकल इक्वेशन दैट यू वॉन्ट टू बैलेंस एज इट इज, ओके। देन मेक अ टेबल एंड लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स and make the column for reactant and product sides, okay. Next thing that you have to do is, yahan se hamara method start ho jata hai, put variable coefficients on every element, every molecule or every reactant side and product side elements, okay. yahan par Fe ke samne main coefficient laga dunga A, वैल्यूएबल कोफिशिएंट ए, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे अभी, बी इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड डी। ए बी सी डी ये हमारे क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, ओके। नाउ एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब आप लिखते जाइए, Fe के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? मुझे बताइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल कोफिशिएंट A, ये कुछ नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाद में, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमने कहा A, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहां पे 2 है और यहां पे B है, मतलब 2B, ओके। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां पे 1 है, यहां पे B है, यहां पे मतलब B, A number of atoms, 2B number of atoms and B number of atoms, okay. Now product की बात करें तो product में Fe के कितने atoms हैं, 3 यहां पर है, C यहां पर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3C। Hydrogen के कितने हैं, 2B, good. Then oxygen के कितने हैं, 4, यहां पे 4 है, यहां पे C है, इसको क्या लिख देंगे, 4
सी वेरी गुड। यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे को जस्ट फॉलो करिए, यू शुड जस्ट फॉलो मी। ओके, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज कंपेयर, कंपेयर करें। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं, हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ईच एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। ऐसे ही F for every element in between, it will follow. Okay? तो यहाँ पर compare कर लेते हैं, A is equal to क्या आएगा? A is equal to 3C. Name it equation first. यहाँ पे 2 hydrogen के लिए भी क्या होगा? यहाँ पे जितने reactant में उतने product में, मतलब 2B is equal to 2D, 2B is equal to 2D. This is second method. Oxygen के लिए क्या होगा? B is equal to 4C, B is equal to 4C. कितना आ गया? This is third equation. I think this is clear. आप यहां तक compare कर पा रहे हैं, relate कर पा रहे होंगे, ये mathematics जैसे कुछ चल रहा है। ये क्या आ गया हमारे? ये लीनियर इक्वेशन आ गई है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है फोर वेरिएबल, ठीक है। बट अब इसको हम एक इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी। ओके, सो लेट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप इज लेट ए इज इक्वल टू वन। ए की वैल्यू को आप वन मान लीजिए यहां पर, ठीक है। ये step is very important, this step is very important, this step is very important. A की value को आपको 1 मान लेना है, value randomly put करके देखिए, A की value को 1 मान लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, equation 1 में क्या हो जाएगा, 1, okay, one is equal to 3C. यहां पर ए की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो यहां पे क्या आ गया, 3C आ गया। ओके, नाउ आप यहां से क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 1/3 आ गया। सी की वैल्यू आ गई है, अब आपको फाइंड करना है अदर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1/3 है। C की वैल्यू किस में है अभी, यहाँ पे देखिए C कहाँ पे है, C थर्ड इक्वेशन में है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में जब पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, B इज इक्वल टू 4 1/3। ओके, क्या जाएगा, B इज इक्वल टू 1/3, बीस को 4 1/3। यहां पे कितना आ गया, ये 4/3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी इज इक्वल टू 4/3। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, बी आ गया। अब आपको बी आ गया है तो यहां पे मुझे ये बताइए सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू डी लिखा है कि नहीं, यहाँ पे 2B is equal to 2D लिखा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं putting in second, आप second में जैसे put करेंगे 2B is equal to 2D, है ना, ये equation है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे B is equal to D आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4/3 आ गई। आई थिंक दिस इज क्लियर, क्लियर है, आपने सारी वैल्यू फाइंड कर दी है, 1 a इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1/3, b इक्वल्स टू 4/3 एंड d इक्वल्स टू 4/3। ओके, अब आते हैं बैलेंसिंग के ऊपर जो मेन काम है हमारा, ठीक है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। आप इसको चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, मैं a की वैल्यू b की वैल्यू यहीं पे पुट कर रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी आई हमारी,
वी हैव गॉट इट 1. b की वैल्यू कितनी है 4/3. ओके c की वैल्यू कितनी है 1/3. d की वैल्यू कितनी है 4/3. ओके नाउ अब आपको दिख रहा होगा सर ये कुछ अजीब सा ही आ गया, समथिंग डिफरेंट है ना. तो क्या करेंगे, 3 है डिनोमिनेटर में सबके, किसके सबके डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3. पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी केमिकल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे क्या बचेगा, यू विल फाइंड इट, ये Fe को 1 से 1 3 को 1 से किया कितना आएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस यू विल गेट इट 3. देन यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया 3 को 4/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सर 4 बचेगा, ठीक है. एंड 3 को फिर से आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया 3 को 1/3 से, क्या हो जाएगा 1. ओके यू हैव टू, यू नीड नॉट टू राइट 1, ठीक है, बट यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से 3 को, तो क्या बचेगा यहां पे आएगा 4. ओके तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपको मिल जाएगी, ठीक है. अब आप देख लो यहां पे 3 ऑफ Fe, हाइड्रोजन के कितने हैं 8 कैसे आया 4 2 8, ऑक्सीजन के 4, यहां पे भी 4, ये इक्वेशन बैलेंस कहलाती है, ठीक है. तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है मेरे को, अब मैं ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नीचे लिख देता हूं, आई विल राइट इट एट द बॉटम ऑफ दिस बोर्ड. 3 of Fe plus 4 of H2O gives Fe3O4 plus 4H2. ओके आई थिंक दिस इज क्लियर. ऐसी ही केमिकल इक्वेशंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे, तो अभी जिसको नहीं समझ में आया तो जस्ट फॉलो मी, जैसा हम करते जा रहे हैं उस तरीके से आप फॉलो करते जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस बैलेंसिंग मेथड. ओके थैंक यू सो मच.